जैसे कि आप सभी जानते हो, आज का मुकाबला लखनऊ और गुजरात के बीच में होने वाला है। पहला हेडर जो है और सेकंड हेडर जो है मुंबई और यहाँ पे पंजाब के बीच में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लखनऊ और गुजरात के 3:30 बजे वाले मैच के बारे में, जो कि यहाँ पे कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से प्लेयर लेके जाएंगे, क्या यहाँ पे कितना स्कोर बन सकता है, कैसा पिच होने वाला है, क्योंकि कोई भी टीम अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें पिच रिपोर्ट का बहुत योगदान होता है और उसी के सहारे हम लोग यहाँ पे विन कर पाते हैं, क्योंकि जैसा पिच होगा वैसा परफॉर्मेंस होगा, वैसा वहाँ पे रन आएंगे। अगर बॉलिंग पिच पे हम लोग बैट्समैन ज्यादा रख लेते हैं तो वहां पे हम लोगों को पॉइंट कम मिलेंगे, और वैसे ही अगर बैटिंग पिच पे हम लोग बॉलर ज्यादा रखेंगे तो उन लोगों का कुटाई होगा और हम लोगों का पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग सबको जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे पिच रिपोर्ट का। तो जो पिच होगा वो बॉलिंग पिच होने वाला है और पेस के लिए काफी बेहतरीन होगा। यहां का एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो 122-130 के करीब में होता है, यानी कि आपको एक बोर्ड पे 150-160 के आसपास का एक अच्छा स्कोर देखने को मिल जाएगा। और जो मुकाबला होने वाला है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में होने वाला है। तो यहाँ पे जो पिच है वो काफ़ी अलग खेलता है। यहाँ पे दो प्रकार की पिचें होती है, एक लाल मिट्टी की और एक काली मिट्टी की। तो जिस पे मैच होगा उस हिसाब से यहाँ पे पिच वर्क करेगा। तो आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा हमारे साथ, हम 6:40 में लाइव जुड़ते हैं। जैसा वहाँ पे पिच रिपोर्ट होगा मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा। और आप लोग अगर चाहते हो मेरे टीम से खेलना तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग ओपन करके उसे ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर चलिए जानते हैं डिटेल में सभी खिलाड़ी के बारे में, कौन कौन से खिलाड़ी हम लोगों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। आप लोग एक बार आके यहाँ पे गाइड चेक कर सकते हो, क्रिकबज पे चेक कर सकते हो, या फिर किसी भी सोशल साइट पे जाके चेक कर सकते हो जो क्रिकेट से रिलेटेड हो, वहाँ पे सब रिसेंट रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाएगा। अदरवाइज लाइव जब जुड़िएगा तो मैं आपको पूरा ये बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल विकेट 59 गिरे हैं, जिसमें से 31 पेसर्स ने लिए हैं तो 28 स्पिनर्स ने लिए हैं, यानी कि यहाँ पे क्विक स्पिनर को भी मदद मिलेगा और पेसर्स को तो मदद मिलने ही वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे विकेट कीपर के ऑप्शन की। निकोलस पुरन को देखा जाए थोड़ा नीचे खेलने आते हैं और वही रिद्धिमान साह ओपन करने आते हैं। रिद्धिमान साह का अगर रिसेंट मुकाबले देखा जाए तो एक मैच में अच्छा चलते हैं तो एक मैच में फ्लॉप रहते हैं। वही पंजाब किंग्स के खिलाफ इन्होंने 30 रन बनाया था तो राजस्थान के खिलाफ ये मात्र 4 रन बना पाए थे। तो अगर आप लोग चाहो तो इनको रख सकते हो, ओपन करने के लिए आएंगे, लेकिन अगर जब इन लोगों का पहले रहेगा तब आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे निकोलस पुरन का ही देखोगे तो आप 29 रन बनाए थे पिछले मैच में, उससे पिछला मैच अगर देखो तो कुछ खास नहीं कर पाए थे और मात्र यहाँ पे 0 पे आउट हो गए थे। वही अगर देखा जाए आरसीबी के खिलाफ तो काफ़ी अच्छा खेले थे और 62 रन बनाया था। तो आप निकोलस पुरन और धीमान साहब में से किसी एक को रख सकते हो, और चाहो तो दोनों को रख सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको निकोलस पुरन के साथ ही जाना बेहतर होगा, क्योंकि रिद्धिमान साह को अगर शुरू में ही ये हो जाता है तो आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे विकेट बैट्समैन की। तो यहाँ पे लोकेश राहुल सबसे बेस्ट अभी देखा जाए तो उतना अच्छा इनका ये रहा नहीं है, लेकिन अगर दो मैच लगातार देखा जाए तो एक में 74 का स्कोर किया था इन्होंने, एक में 39 का, और उससे पहले के मैच देखा जाए तो बहुत ही स्लो खेले हैं थोड़ा, और 35 बनाए थे उससे पहले। तो लोकेश राहुल को रख सकते हो, ये काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर अपने एक मतलब इनिंग को अगर पेस देते हैं, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वही सुमन गिल का देखा जाए, सुमन गिल हर मैच में अच्छा करते हुए आए हैं, तो सुमन गिल को तो हम लोग गलती से भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दीपक हुडा और साई सुदर्शन में से किसी हम लोगों को रखना है। दीपक हुडा पूरा फ्लॉप रहे हैं इस सीज़न में, किसी भी सीज़न में इनका बेस्ट नहीं आया है, तो दीपक हुडा को आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन भी थी। स्मॉल लीग में आप इनको छोड़ के साई सुदर्शन को अपने टीम में रख लीजिएगा। साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस बहुत शानदार आया है इस सीज़न में, अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा अच्छा इनिंग इन्होंने खेला है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे हैं, अभिनव मनोहर है, आयुष बदोनी है, राहुल तेवतिया है, डेविड मिलर है। डेविड मिलर आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखो शुरू में विकेट गिरेंगे और नीचे आके ये सभी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पार्टनरशिप देखने को मिल सकता है। और हाल ही में राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 46 रन बनाया था, तो डेविड मिलर का अच्छा आपके पास ऑप्शन है अपने टीम में रखने के लिए। अब बात करते हैं ऑलराउंडर का। ऑलराउंडर में देखा जाए तो मार्कस स्टोइनिस काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। अगर मार्कस स्टोइनिस का देखा जाए तो 21 रन बनाए थे, 4 ओवर में 2 विकेट भी लिए थे, तो मार्कस स्टोइनिस को हम लोग अपने टीम में रखेंगे। हार्दिक पांड्या भी जिस तरह जाने जाते हैं उस तरह से अभी फॉर्म में दिखे नहीं है। अगर देखा जाए पिछला मैच इनका जो राजस्थान के खिलाफ था तो 28 रन बनाए थे, 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिए थे। तो आप लोग चाहो इनको तो अपने टीम में रख सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुणाल पांड्या को अपने टीम में जरूर रखिएगा, कुणाल पांड्या बेहतर करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे एक इनका अच्छा जाता है, एक मैच इनका खराब जाता है, लेकिन क्विक स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिल सकता है तो आप इनको जरूर रखिएगा। कायल स्मार्ट खेलते हुए नजर आएंगे आपको, इनको रख लीजिएगा।
और अगर आप चार ऑलराउंडर रखना चाहते हो तो हार्दिक पांड्या को रखिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बॉलिंग में आ जाओ। बॉलिंग में मार्कवुड पिछला मैच खेले नहीं थे, अगर खेलते हैं तो ज़रूर रखिएगा, इसी पिच पे इन्होंने 5 विकेट लिया था। उसके बाद बात करते हैं राशिद खान का, तो राशिद खान काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और हर मैच में इनसे तो 1 विकेट का उम्मीद ज़रूर कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज ये आपको 2-3 विकेट भी दे सकते हैं, तो इनको आप लोग रख लीजिएगा अपने टीम में। मोहम्मद शमी का काफ़ी अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट, अगर देखा जाए तो सारे के सारे मैच इन्होंने बेहतर किए हैं। वही राजस्थान के खिलाफ जो इन्होंने बॉलिंग किया था, 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट लिया था, तो मोहम्मद शमी को अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नवीन उल हक पिछले मैच खेले थे, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला था लेकिन बॉलिंग बहुत शानदार किए थे, 4 ओवर बॉलिंग करके बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्पेल निकाला था इन्होंने, तो आप लोग इनको रख सकते हो और ये काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, इन पे आप लोग रिस्क ले सकते हो, आपको अच्छे खासे विकेट निकाल कर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग इजीली रवि बिश्नोई या अवेश खान में से किसी एक के साथ जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि नवीन उल हक काफ़ी बेहतर करेंगे, तो इनको मैं अपनी टीम में रखता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ टीम इस प्रकार बनाया है, मैंने यहाँ पे रखा है विकेट कीपर में निकोलस पूरन को, रिद्धिमान साहा को भी रखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरू के टॉप के विकेट गिरेंगे, हालांकि आप चाहो तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी को रख सकते हो, मैंने टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी को रखा है। यहाँ पे लोकेश राहुल टॉप ऑर्डर के मेरे प्लेयर हैं, काइल मार्श टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, तो वही देखा जाए तो सुमन गिल और साई सुदर्शन को मैंने रखा है, साई सुदर्शन 1 डाउन आते हैं और यहाँ पे रिद्धिमान साहा से मुझे उम्मीद नहीं कि वो कुछ बेहतर करेंगे, इसलिए मैंने उनको स्किप किया है। बाकी यहाँ पे नीचे आके डेविड मिलर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बाकी देखा जाए तो मार्कस टोन्स कुणाल पांड्या काफ़ी अच्छा अपने टीम के लिए करेंगे, पेसर्स को विकेट मिलेगा, क्विक स्पिनर्स को भी विकेट मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने रखा है मोहम्मद शमी, नवीन उल हक को, काफ़ी अच्छे पेसर्स हैं दोनों, और राशिद खान और कुणाल पांड्या यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, और पार्ट टाइम बॉलिंग में आके मार्कस टोन्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन वीसी की। अब देखो स्मॉल लीग अगर आप लोग खेल रहे हो तो आपके पास सबसे सेफ कैप्टन बीसी का चॉइस है सुमन गिल और लोकेश राहुल, उससे ज़्यादा थोड़ा सा अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हो कायल मायर्स के साथ या फिर कुणाल पांड्या के साथ, नहीं तो राशिद खान को भी आप लोग वीसी बना सकते हो। वही अगर बात करें जीएल के लिए तो साई सुदर्शन को कैप्टन बना लीजिएगा, मोहम्मद शमी को आप लोग वीसी बना सकते हो, मोहम्मद शमी कैप्टन, नवीन उल हक को वीसी बना सकते हो, ऐसे करके आप लोग अपना जीएल का टीम बना सकते हो, क्योंकि विकेट गिरेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं गिरेंगे और रन थोड़े कम बोर्ड पे दिखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना ये बना लेना। अदरवाइज़ अगर सेफ जाना चाहते हो तो कैप्टन वीसी में लोकेश राहुल और सुमन गिल आपके लिए काफ़ी बेस्ट पिक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अपना टीम जो है आपको, कुछ इस प्रकार से मैंने टीम बनाया है, तो आप लोग भी ऐसा टीम बना के इजीली खेल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।